السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والاحسان وفضل ديننا على سائر الاديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عباده الاوثان اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد احترم ناظرين ایک بار پھر سے آپ تمام احباب کا مردوں اور خواتین کا اس اہم اور علمی پروگرام قرآن میں استقبال ہے हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस मुलाकात में हम आपके सामने कुरान मजीद के दूसरे पारे का ख़ुलासा पेश करने की सहादत हासिल कर रहे हैं इस पारे का आगाज़ होता है सैकुला उमिनन्नासीमा उमलति हिमलति काना की आयत से अल्लाह आलमीन ने इस पारे के आगाज़ में क़िबला की तब्दीली के तल्ल से एक रहनुमाई दी है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि बैतुल बैतुलमक़दस के बजाय खाने काबा मुसलमानों का क़िबला हो जाए पहले मुसलमानों का क़िबला बैतुल बैतुलमकद्दस था मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो सोलह या सत्रह महीने तक वहाँ भी बैतुल क़िबला बाकी रहा बरकरार रहा लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि किबला तब्दील हो जाए खाने काबा हो जाए और इसी ख्वाहिश की वजह से बार बार आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते थे कि वही आ जाए वही आ जाए अल्लाह का मैसेज जा आ जाए जाए पैगाम आ जाए का बिलाखिर यही हुआ कि प्यारे रसूल वसल्लम की शदीद ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा कर दिया और अल्लाह आलमीन ने प्यारे नबी वसल्लम की खुशी की खातिर अल्लाह ने नेबला तब्दील करके बैतुलमक़द के बजाय खान काबा को बरकरार कर दिया इस सिलसिले की एक बात अल्लाह ने कही कि किबला तब्दील हुआ तो अब कुछ बेवकूफ़ लोग कहेंगे यहूदियों की तरफ इशारा था जो मदीना के अंदर रहा करते थे मामल हमानबलत खानिया कि यहूदियों का एतराज़ था कि ये लोग अजीब है आज इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं आज इस तरफ करते हैं कल पता नहीं और कौन सा कबला बना लेंगे एतराज़ था अल्लाह ने उन लोगों को बेवक़ूफ़ कहा सुफहा बेवक़ूफ़ कहा फिर अल्लाह ने कहा उनके ऐतराज़ का जवाब खुल्लामश वालमगरब कि मशरक़ भी अल्लाह का मग़रब भी अल्लाह का साउथ नार्थ सब अल्लाह रब्लम का है और वही तमाम चीज़ों का मालिक है तमाम सिस्टम का चलाने वाला है तो वो जो चाहे जिस चीज़ को चाहे खबला बना दे जब चाहे बना दे उसकी मर्ज़ी में दखल देने वाला कोई भी नहीं है खुलासे कलाम ये हुआ कि प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक़दीस के बजाय मुसलमानों का किबला खाने काबा बना दिया जो अब कयामत तक बाकी रहेगा इसीलिए आज हम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हैं वो खाने क़ाबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि खाने काबा मुसलमानों क़िबला का है उसके बाद आगे चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 153 से 157 यानी सूरह बकरा की आयत नंबर जो दूसरे पारे में है 153 से लेकर 157 तक सब्र और सलात की अहमियत और सब्र करने वालों का मकाम बताया कि सब्र या लदीना यादीन आमन ऐमान वाल इस बिस कि सब्र और सलात के ज़रिए अल्लाह की मदद मांगो इनबरेन और फिर सब्र का फ़ायदा बताया अल्लाह ने कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है आप कितने बड़े खुश नसीब है कि अगर आप किसी मुश्किल परेशानी किसी मुसीबत पर सब्र कर लेते हैं तो गोया कि आप अल्लाह के साथ हो जाते हैं या अल्लाह आपके साथ हो जाता है तो बड़ी खुशखबरी है और फिर आगे अल्लाह ने बयान किया कि हम तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएंगे कभी खौफ कभी माल में कमी कभी जान में कमी कभी किसी और जरिए से कभी किसी और जरिए से तुम्हारा काम क्या है वो ए प्यारे रसूल सल्ला मुश्किल और परेशानी वाले हालात में सब्र करने वाले लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए दीजिएन इदा असाबत हम कौन से सब्र करने वाले कि जब उन्हें कोई मुसीबत आती है कलू तो वो कहते हैं इन्ही व इन्ना, इन्ना राजिऊन कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं हमें उसी की तरफ़ पलट कर जाना है तो ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम रब्बिहिम व रहमा यही वो लोग हैं कि जिनके ऊपर उनके रब की जानिब से सलामती और रहमत नाजिल होती है व उला और यही लोग हिदायत याफ्तार हैं तो ये सब्र करने वालों का मकाम है फ़वाद हैं फजाइल हैं जो सब्र करने वाले को उनकी ज़िंदगी में हासिल होते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हो जाता है और ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाता है फिर अल्लाह ने अपनी अजमत, अपनी बड़ाई और उसकी ज़ात से जो महब्बत करने वाले हैं उस महब्बत का तरीका और मैार क्या होना चाहिए वो बयान किया अल्लाह ने अल्लाह ने कहाम कि तुम्हारा सब का सब का महबूद सिर्फ एक है ला इलाहा अल्ला हो उसके सिवा कोई महबूद नहीं रहमान और रहीम और रहमान है रहीम है और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़मीन आसमान नहरों आसमान से नाजिल होने वाली बारिशों का और फल फ्रूट का दुनियावी मुख्तफ चीज़ों का तस्करा करते हुए अल्लाह ने कहा ल आयात कौमी या इन तमाम चीज़ों में अक्लमंदों के लिए निशानी है नसीहत है अमीन नन्नासी मैत तखिदु मिंदून يحبونهم كحب الله. कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरे महबूदों से जो उनके झूठे महबूद हैं जिनको वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वल्ल न मानू अशदबल्ला लेकिन जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से, अल्ला से महब्बत करते हैं पता ये चला कि ईमान वालों को सबसे ज्यादा अपने रब यानी अल्लाह से महब्बत होनी चाहिए और यही मोहब्बत का मैार है कि अगर अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी तो अल्लाह रबालमीन आपकी उस महब्बत का बेहतरीन बदला आपको अचा करेगा और फिर उसके बाद अल्लाह रबालमीन ने आम इंसानों को तमाम मुसलमानों को हलाल खाने और हराम से बचने का हुक्म देते हुए फ़रमाया अय्यून्नासु कुल्लू उम्मा फिलद हलाल तयबा ए लोगो ज़मीन में जो कुछ भी हलाल और पाकिजा चीज़ है उसको खाओ वला तब ख़ुवा शैतान शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो यानी हराम खाने से हराम कमाने से अपने आप को बचाओ फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं या अयो अल्लीना आ मनो खुलू मिन ते बात इमारा सखनाकुम अ ई ईमान वालो अ वो लोगो जो ईमान लाए हो जो कुछ हमने तुम्हें पाकिज़ा रोज़ी दी है उसको खाओ वश्रोल्ला और अल्लाह का शुक्र अदा करो इनकुन तुम या होताबून अगर तुम उसकी इबादत करते हो फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं इन नरमीर वमा उहिल्ल भी कि तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है खनजीर का गोश्त हराम है और इसी तरीके से तुम्हारे लिए जो गैरुल्ला के नाम पर ज़बा कर दिया जाए वो हराम है फमन रबालाफला इसमाल हाँ अगर किसी को मजबूर कर दिया जाता है कि ये हराम खाओ तो वो माजूर है अल्लाह इसे बंदों की पकड़ नहीं करने वाला फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं नेकी क्या है हम क्या समझते हैं कि खाने काबा की तरफ या मगरिब की तरफ जो भी हमारा किबला है उसकी तरफ मशरक़ मगरिब की तरफ चेहरा कर लो नमाज़ पढ़ लो यही असल यही असल नकी है अल्लाह ने कहा किबला सल बिरजूहकमशरबल मग़रब नकी ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरक़ मगरिब की तरफ कर लें वाल नलबर्रा नकी क्या है मना मबी अल्लाह पर ईमान रखना नेकी है क्यामत पर ईमान रखना नेकी है फरिश्तों पर ईमान रखना नेकी है किताबों पर ईमान रखना नेकी है और नबियों पर ईमान रखना ये नेकी है व आतलमा अब ये तमाम वो चीज़ें जिनका तल्ल ईमानियात से है और फिर उसके बाद ज़मीनी लेवल पर नेकी किसे कहते हैं व आतलमाला अब ही दविलकुरबा कि आप माल की शदीद मोहब्बत के बावजूद उसे अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें यतीमों पर खर्च करें मिसकिनों पर खर्च करें मुसाफिरों पर खर्च करें और मांगने वालों को दें कैदियों को आज़ाद करने में दें ग़ुलामों को आज़ाद करने में दें इन तमाम जगहों पर अगर आप पैसे लगाते हैं अल्लाह आलमीन ने कहा यह नेकी आपको माल से मोहब्बत है लेकिन आप माल की शदी मोहब्बत के बावजूद भी उसे दूसरे लोगों पर खर्च करते हैं ये अल्लाह की नज़र में नेकी है आका मसला वात ज़क़ा नमाज़ पढ़ना नेकी जक़ात देना नेकी वादे को पूरा करना नेकी और मुश्किल और परेशानी के हालात में सब्र करना ये नेकी है उलाइक उलादीन सदकू व उलाकमुतकून और जो लोग ये काम करते हैं वही सच्चे हैं वही तकवा वाले हैं पता ये चला कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना ये नकी नहीं है जैसा कि हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना जक़त देना हज उमरा करना यही नहीं की है बल्कि समाजी भी मुझे और आपको करना चाहिए ये भी नैकी है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अल्लाह की इबादत के साथ साथ यही काम किया कि आप दूसरों के काम आए परेशान हर लोगों की मदद की मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मुश्किलात को दूर किया जो आप कर सकते थे वो सारे काम आपने किए हमें भी सामाजिक खिदमत में सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहिए और अपना हाथ बटाना चाहिए और मुसीबत में फंसे हुए लोगों के काम आना चाहिए फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वालम फिलसा हयात उलबा तकूर कि अल्लाह ने कहा अगर इस्लामी हकूमत है इस्लामी निज़ाम क़ायम है तो वहाँ पर कसास अल्लाह ने फर्द करार दिया क़ैसा यानी बदला बदला अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो बदले में कतिल को कत्ल कर दिया जाएगा कोई किसी की उंगली तोड़ता है तो बदले में उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी कोई किसी की नाक फोड़ देता है बदले में उसकी नाक फोड़ दी जाएगी ये अल्लाह आलमीन ने यह निज़ाम सिस्टम बनाया क्यों वलकुम फिल क़िसास हयात या उलिल अल्बाब इसलिए कि क़िसास में बदले में ये ज़िंदगी है अकलमंदो अकलमंदो होशियार लोगो तुम्हारे लिए क़िसास में बदला लेने में ये जिंदगी है इसलिए कि अगर आप कातिल को मकतूल के बदले कत्ल नहीं करेंगे तो होगा ये कि मकतूल के घर वाले कात के पूरे घर वालों को मार डालेंगे तो बदले में एक जान के बजाय कई जानें चली जाएंगी फितना फसाद फैल जाएगा समाज और माशरे के अंदर इसीलिए अल्लाह रबालमी ने कहसास फ़र्ज करार दिया है कि जो कत्ल करने वाला है बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा हाँ मकतूल के घर वाले अगर माफ़ कर देते हैं तो ये अच्छी बात है ये अल्लाह रबालमीन की तरफ से ये फरीज़ा है क़सास का इसीलिए देखें जहाँ इस्लामी हुकूमत है कसास का मामला जहाँ है वहाँ पर अमन व शांति है सुकून है सलामती है और वहाँ पर गलत काम करने से लोग घबराते हैं इसलिए कि उन्हें मालूम है चोरी करेंगे हाथ काटा जाएगा और इसी तरीके से किसी को कत्ल कर देंगे बदले में हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा ज़िना करेंगे शादी शुदा है तो रजम कर दिया जाएगा गैर शादी शुदा है तो सौ कोड़े मारे जाएंगे ये उन्हें जब सज़ाएँ मालूम रहेगी तो वो उससे खौफ खाएँगे ये इस्लामी हुकूमत में चीजें मुमकिन है इसीलिए अल्लाह ने क़िसास को फ़र्ज़ करार दिया फिर उसके बाद अल्लाह ने रोजे के तालक से फरमाया अयोहन आम खुत आल ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फ़र्ज़ करार दिए गए कौन से रोजे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं कमा खमाखुद ही लदीन मिन को जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ करार दिए गए थे क्यों लाल रकम ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ पता यह चला कि रोज़ा ईमान वाले को मोमिन को रोज़ेदार को तकवा वाला बनाता है तकवा वाला कैसे बनाता है बंदा रोजे से होता है धूप में काम कर रहा होता है पसीने से शराबोर होता है सख्त प्यास लगी होती है कमरे में होता है तन्हाई में होता है कोई भी नहीं है चाहे तो पानी पी ले किसी को ख़बर नहीं होगी लेकिन रोज़ा उसे मुतकी इस हिसाब से बनाता है कि वो तन्हाई में होने के बावजूद ठंडा पानी और हो, जूस होने के बावजूद भी प्यास के बावजूद भी वो नहीं पीता इसलिए कि उसे मालूम है कि उसका रब उसे देख रहा है किसी को खबर हो ना हो कि बंदा आज रोज़े से है कि नहीं है लेकिन रब को मालूम होगा कि इसने तनहाई में पानी पिया था या आज रोज़े से नहीं है तो रोज़ा इंसान को मुतकी बनाता है फिर उसके बाद अल्लाह रबालमी ने उसके मुख्तर अकाम जिक्र किए कि जो बीमार हो या इसी तरीके से सफ़र में हो वो रोजा तोड़ सकता है बाद में उसकी कदा कर लेगा जो इसी तरीके से दायमी मरीज हो वो बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला देगा फिर उसके बाद इसी बीच में अल्लाह ने इस बात का भी तस्करा किया कि रमज़ान के महीने में कुरानी मजीद नाजिल किया गया फिर आगे चल कर लाब्आमीन ने दुआ का तस्करा किया क्या कि प्यारे रसूल सल्ला वसम जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दें कि मैं करीब हूँ उजीब दावत दाईदा दान जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ फल बोली तो इन लोगों को मुझे पुकारना चाहिए वलियमीन भी लाअल्म शशद मुझ पर ईमान रखना चाहिए ताकि वह हिदायत याफ्ता हो जाएँ उन्हें सही रहनुमाई मिल जाए फिर उसके बाद अल्लाह ने रोजे की बात बयान की ये देखे एक तरफ रोजे की बात दूसरी तरफ रोजे की बात इन दोनों के बीच में अल्लाह दुआ का तस्करा कर रहा है पता ये चला कि जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो उस वक्त दुआ की अहमियत बढ़ जाती है आपको रोजे की हालत में रमज़ान के महीने में या आम दिनों में रोज़े की हालत में बतौर ख़ास रबालमीन से दुआएं करनी चाहिए फिर उसके बाद अल्लाह रब्लम ने चाँद के बारे में तस्करा किया कि लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं चाँद क्या है कुल हियािया मवातुलनासिवल हज तो ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि चाँद का सिस्टम जो है ये लोगों के लिए टाइम टेबल का काम करता है और हज के टाइम का काम करता है इसलिए कि किमरी महीनों के ज़रिए ही पता चलता है कि इस महीने में हज के लिए जाना है और चाँद को देख कर लोग पता लगाते थे आज तो जदीद टेक्नोलॉजी है लोगों के पास घड़ियाँ हैं टाइम है वरना पुराने ज़माने में पुराने दौर में लोग चाँद को देख कर ये पता लगाते थे कि आज कौन सी तारीख़ है और कितना वक्त हुआ है और अभी आधी रात हुई है कि कितनी रात बाकी है कि पता लगाया करते थे तो ये चाँद के पीछे का मकसद है फिर उसके बाद अल्लाहमीन ने मकबूल हज के शराइत बताए मकबूल हज इंसान हज को जाता है तो उसका हज कैसे कबूल होगा फरमाया अलज मालूम तो अगर कोई शख्स वहां जाकर झगड़ा ना करे गाली गलूज ना करे अपनी जबान से कोई गलत बात ना निकाले फितना फसाद वाली बातें ना करे और जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वैसा अगर हज करके हज के आमाल करके आता है तो ऐसी सूरत में उसका हज मकबूल होगा एक्सेप्ट होगा और अल्लाह आलमीन के हाँ उसको भरपूर बदला मिलेगा इसीलिए प्यारे रसूल सल्ला वसम ने फ़रमायाल हजल मबरूर लई सलू जजा उन्जन्ना के हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ भी नहीं है और हज मबरूर क्या है यही कि बंदा वहाँ झगड़ा ना करे लड़ाई ना करे फितना फसाद ना करे किसी को गाली ना दे किसी को अपनी जत से अपनी बात से तकलीफ़ ना दे यही हज मबरूर है फिर उसके बाद इंसान की बेहतरीन और बदतरीन दुआ का तस्करा किया गया कि इंसान की सबसे बदतरीन दुआ क्या है कि इंसान कहे रब बना आती ना फ़िर दुनिया अल्लाह मेरी दुनिया बना दे आखिरत के बारे में ना मांगे सिर्फ दुनिया अच्छी बनाने की फ़िक्र करे अल्लाह से मांगे अल्लाह कहते दुनिया अच्छी बन जाएगी उमाल हूँ फ़िला आखिरतूनखलाक लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं तो पता चला सबसे बदतरीन दुआ यह है कि इंसान सिर्फ अपनी दुनिया की फ़िक करे आखिरत को भूल जाए और बेहतरीन दुआ क्या है जो प्यारे रसूल सल्लाम अक्सर दुआ मांगते थे ربنا आतना फिर दुनिया हसना वफ़िल आख़िरत हसना वकीन आदा बननार अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे आखिरत भी अच्छी बना दे और अगर दुनिया में रहते हुए आख़िरत के तल्लु से कुछ गलती हो जाए वक़ीन आदा बनना तो अल्लाह हमें जहनम के अज़ से बचा ले अल्लाह कहते हैं उलाक नसीब उम्माँ का सबू यही वो लोग हैं कि जिनका हिस्सा है उन चीज़ों में जो इन लोगों ने किया है कमाया है अमल किया है पता यह चला कि इंसान की सबसे बेहतरीन दुआ यह है कि वह दुनिया भी अच्छी बनाने की की तोफ़ी मांगे आखिरत भी अच्छी बन जाए इस बात की अल्लाह से दुआ करें ये सबसे बेहतरीन दुआ है और जहन्नम के अजाब से बचने की अल्लाह रबालमीन से दुआएं मांगता रहे फिर आगे चलकर अल्लाह अल्लाह रबालमीन ने आयत नंबर दो सौ चौदह में इस बात का तस्करा किया है कि जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा फरमाया फरमायाजिब तो मंदत खुलुलजन्ना क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत फ्री में मिल जाएगी जन्नत अब फ्री में नहीं मिलेगी जन्नत में दाखिला पाना है तो मुश्किल पर सब्र करना होगा मुसीबतों पर सब्र करना होगा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करनी होगी अपनी ख्वाहिशा को कुचलना होगा कुरान हदीस की तालीमत को समझना और उस पर अमल करना होगा दुश्मनों की जानब से आने वाली तकालीब पर सब्र करके अल्लाह से नुसरत व तइद मांगनी पड़ेगी तब अल्लाह रबालमीन आपकी मदद करेगा और आपको जन्नत में दाखिला मिलेगा फिर उसके बाद आयत नंबर 217 से लेकर 219 तक अल्लाह ने हरमत वाले महीने में कताल करना कैसा है आप जानते हैं कि हरमत वाले महीने चार हैं जिकादा, खादा मुहर्रम और रजब इन चार महीनों में हर तरीके के जुल्मों फसाद से बिगाड़ से कताल से जंग से लड़ाई झगड़े से बचने का हुक्म दिया गया है और इन चार महीनों में बतौर ख़ास नकियाँ करना चाहिए और हर तरीके की बुराई से बचना चाहिए लेकिन अगर कोई कताल करता है तो ऐसा बंदा गलत काम करता है अल्लाह ने कहा यह हरमत वाले महीनों की इज़्ज़त तक्रीम के ख़िलाफ़ है फिर उसके बाद मुरत की सज़ा अल्लाह ने बयान की फरमाया कि जो बंदा दीन को छोड़ दें दीन को छोड़ दे यानी इस्लाम कबूल किया इस्लाम कबूल करके फिर से मर्तद हो जाए इस्लामी हुकूमत है इस्लामिक गवर्नमेंट है तो ऐसे बंदे की सज़ा कत्ल है ऐसे बंदे की गर्दन मार दी जाएगी जुआ और शराब का तस्करा किया इंसान ये समझता है शराब पीने से फ़ायदा होता है जुआ खेलने से फ़ायदा होता है बहुत सारा पैसा कम मिनटों में आ जाता है कम मिनटों में बहुत सारा पैसा चला भी जाता है अल्लाह ने कहािलमई सिर लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं तो आप कह दें कुछ फ़ायदा है इसमें वही इस मुहमा अकबर उन्नफमा लेकिन इन दोनों का जो गुनाह है जो नुकसान है वो इनके फायदे से बड़ा है लिहाजा जिसमें गुनाह हो उसको छोड़ देना चाहिए फिर उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 221 से लेकर 242 तक यानी तकरीबन 22 आयतों में अल्लाह ने निकाह हैज़ तलाक और मुख्तलफ तरह के इद्दतों और रजात जैसे मसाइल से मुतालिक चीज़ों का मुख्तलिफ चीज़ों का बयान किया है अल्लाह ने निकाह के बारे में एक सिस्टम दिया एक रूल ये बताया है कि अ ईमान वालो तुम किसी मुशरिका औरत से निकाह मत करो तुम किसी मुशरिका औरत से निकाह मत करो वाल मोमिन तुल मुशर तुम आज बतुम अगर मुशरिका औरत बहुत खूबसूरत है तुम्हें पसंद आती है तब भी उससे मत करो उसके मुकाबिल में एक मोमिना लौडी से एक मोमिना लोडी से शादी कर लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम कि मशरता यू मिनो और ए ईमान लो अपनी लड़कियों की अपनी बच्चियों की शादी किसी मशरक लड़के से मत करो वो अबिन मशरू वो आजुम एक मोमिन गुलाम किसी मशरक लड़के से बेहतर है चाहे वो मशरक लड़का तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो पता यह चला कि, कि किसी मुशरिका लड़की से या किसी मुश्रका लड़के से अपने बच्चे या बच्ची की शादी से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए हैज के बारे में अल्लाह ने कहा बहुत सारे लोगों को यह चीज़ मालूम नहीं हैज़ की हालत में जब बीवी हो तो उससे मुबाशरत उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करना शरीयत ने हराम करार दिया है महीज जब औरत हैज़ की हालत में हो तो उससे अलग रहो अलग होने का मतलब ये नहीं है कि कमरा और बिस्तर अलग कर लो बल्कि अलग होने का मतलब यह है कि अब उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम मत करो प्यारे रसूल वसल्लम कहते थे इस नाऊ खुल्ल ने कहा कि सिवाय जिमा के हर चीज तुम हैज की हालत में बीवी से कर सकते हो लेकिन बहुत सारे लोग की हालत में बीबीवी से मुबाशरत करते हैं अल्लाह की नज़र में यह चीज जायज नहीं है तलाक का तस्करा रब्बुल आलमीन ने किया है लेकिन तलाक के ताल्लुक से तफसीली बात अट्ठाईसवें पारे में जब सूरत तलाक की बारी आएगी तो इन शाला वहाँ हम आपके सामने तस्करा करेंगे कि तलाक़ क्या है कब होती है किस सूरत में होती है उसकी इ्दत क्या है और कब नहीं होती है और इसकी तमाम तर तफसीत इनशल आपके सामने जिक्र की जाएगी उसके बाद अल्लाह रबालमीन ने रजात का तस्करा किया है कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मुकम्मल दो साल दूध पिलाएँ मुकम्मल दो साल दूध पिलाएं पता ये चला कि माओ को अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए और दूध का निज़ाम दुरुस्त हो उसके लिए अच्छी गज़ाएँ खानी चाहिए और अपने बच्चों को मुकम्मल दो साल तक दूध पिलाना चाहिए दो साल से ज़्यादा नहीं पिला सकते दो साल से पहले अगर ख़त्म कर दें तो ये भी जायज़ है शरीत ने मना नहीं किया है और इसकी जिम्मेदारी बाप की है कि वो माँ के लिए अच्छे खाने का अच्छे पीने का इंतज़ाम करे ताकि जो औलाद हुई है उस औलाद के लिए अच्छी खुराक का बंदोबस्त हो सके फिर उसके बाद अल्लाह आलमीन ने आयत नंबर 243 में इस बात का तस्करा किया कि मौत से किसी को फरार नहीं है मौत से किसी को फरार नहीं है एक कौम थी मरने के डर से वो लोग अपने कौम से निकल पड़े अलम तला अखर जो मंदिया मोहम्मलूफ उनमौत हज़ारों की तादाद में थे मौत के डर से वो लोग अपने इलाकों से निकल गए फ़ालू ला तो लेकिन जहाँ निकल कर जा रहे थे अल्लाह ने वहीं कहा कि यहाँ मर जाओ फ़ाल्त मर गए तुम मा हया हो फिर अल्लाह ने उन्हें थोड़ी मुद्दत के बाद दोबारा जिंदा किया और ये कानून दे दिया और ये बात उनको ये सबक दे दिया कि मौत से किसी सूरत फ़रार नहीं है आई नमा तुन तुम से अगर आपकी मौत का वक्त आ गया है तो आप अमरीका में रहें आप किसी और मुल्क में रहें अपने घर में दुबक कर बैठ जाए किसी भी जगह आप रहें मौत से आप नहीं बच सकते मौत आपके पास आकर रहेगी और इस पारे की आखिरी बात जो अल्लाह रबालमीन ने बयान की तालूत और जालू का वाक़ा आपको ये तफसर उठाकर पढ़ें और देखें कि किस तरीके से अल्लाह मुसलमान कौम की काफिर कौम के मुकाबले में मदद करता है लेकिन मुसलमानों की मदद उस वक्त होती है अल्लाह मुसलमानों की मदद उस वक्त करता है जब मुसलमान अपने आप को मुसलमान बनाएं जब ईमान वाले अपने आप को ईमान वाला बनाएं रब पर भरोसा करें रब से लो लगाएं ये ईमान वाले काफिरों के मुकाबल में जंग के मैदान में थे लड़ने से पहले उन्होंने अल्लाह से दुआ किया रब बना अफ्रली ना शबरा वक़दाम बंसरना कबील काफी अल्लाह हमें सब्र दे दे अल्लाह हमें सब्र दे दे हमारे क़दमों को जमा दे और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा आज हम मुसलमान न तोल है न भरोसा है न इबादतें हैं न नकियाँ हैं न अल्लाह रब्लम से मदद के लिए हम और आप हाथ उठाते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा तो बताएं मदद कहाँ से आएगी इसलिए अगर आप अल्लाह की मदद चाहते हैं काफ़िर कौम के ालिम कौम के मुकाबले में आप अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हैं तो रब से जुड़ जाएँ अल्लाह से अपना ताल्लुक मज़बूत करें अल्लाह की तरफ़ पलट आएँ अल्लाह की तरफ़ रुझू

हक और सच्चाई के साथ बयान कर रहा है वह इन नमिनमरसलिन और आप भी रसूलों में से हैं फिर इसके बाद तीसरे पारे का आगाज़ होता है इन शाला अगली मुलाकात में हम आपके सामने तीसरे पारे का ख़ुलासा निकात की रोशनी में रखने की कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे और आपको सुनी गई बातों पर अमल करने प्यारे रसूल सल असलम की तबा करने की तोफ़ी ख़तः फरमाए आमीन व सबीकरम औरकम वरह वक्त ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें